अरे यार, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपने साथ हैं टेक्सोर और जी व्लॉगर। दो व्लॉगर आज मिलके व्लॉग बनाने आए हैं। उनका भी व्लॉग चेक कर सकते हैं, उनका चैनल में आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा भाई के सामने। भाई का टेक्सोर एक चैनल है और जी व्लॉगर, ये दो चैनल है ना, तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। चिल्लर मत समझो मेरे को, मेरे भी हैं भाई, तो सीनियर है हमारे से। सब्सक्राइब करो, पहले 14-15 सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता, ज़रा ज़्यादा करो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई की हंसी देखो, भाई भी चाहते हैं कि दोनों मिलके एक साथ ग्रो होना। और भाई की टी शर्ट पे देखो एटीट्यूड लिखा है, हम में एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ लिखा है टी शर्ट पे। हाँ, और कुछ भी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब खाने के लिए नहीं, वीडियो के लिए कंटेंट कोई चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखो अवलकोंडा व्लॉग है ये। अवलकोंडा बारिश के मौसम में आपको लोनावला जैसा देखने को मिल जाता है। रोड्स तो बहुत अच्छे आते हैं यहाँ के, देख सकते हैं आप, हर तरफ हरियाली, बारिश, हर तरफ बारिश है। गाड़ी यहाँ पे स्पीड लिमिट में चलाना चाहिए, 30-40। ज़्यादा मेरे जैसे चलाएंगे तो पक्का है अल्लाह की मतलब ऊपर वाले का टिकट मिल सकता है आपको जाने के लिए। इंसानियत से चलाना चाहिए गाड़ी, 20-30 की स्पीड बहुत हो गई। मैं भी स्पीड के बाहर चला रहा हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा कमेंट मत करो, मेरी आदत है, ऐसे चला के आदत हो गई है ये। देखो सीन, देखो यहाँ पर, वहाँ पे बारिश चल रही है, यहाँ पर भी छोटी छोटी बारिश चढ़ रही है, लेकिन रिस्क लेके चला रहे हैं। मोबाइल को कुछ होगा करेगा तो सब्सक्राइबर को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ मैं। देखो सीन तो देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हरियाली तो हर तरफ है। ये सिर्फ बारिश के मौसम में ऐसा रहता है, उसके बाद अगर आप आएंगे तो उतना खास आपको देखने को नहीं मिलता यहाँ पर। अच्छा होता है लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखने को मिलता जैसे यहाँ पर दिख रहा है। बादल तो कैसे छाए हुए हैं, बारिश धीमी धीमी पड़ रही है, देख सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रगल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अपना व्लॉगिंग चैनल है ये, तो व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इस पर, कॉमेडी व्लॉग्स होने वाले हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। और अपने साथ टेक्सोर हैं और जी व्लॉगर हैं, तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएंगे आपको दोनों चैनल का, नहीं तो इनका बोल तो क्या भी समझेंगे, तो मैं इनका लिंक ले रहता हूँ। कहाँ रुकाना भाई, यहाँ पे के नीचे जाना है, ठीक है नीचे चलेंगे। नीचे से भी सीन बहुत अच्छा लगता है आपको, नीचे का रास्ता बताएंगे क्या हमारे को, क्या है कैमरा साफ़ करना, बार बार कैमरा साफ़ करो। हाँ भाई, हाँ हमारे दोस्त मिल गए थे, हर जगह सलाम कर रहे थे। पीछे भी टेक्सोर वीडियो शूट कर रहे हैं। देखो सीन कैसा दिख रहा है यहाँ पर, छोटी छोटी मतलब धीमी धीमी बारिश पड़ रही है, हरियाली तो हर तरफ है। अभी हम वीडियो के कलर में भी कुछ ना कुछ करेक्शन करेंगे जिससे आपको और खूबसूरत लगे ये जगह, तो आप टेंशन नहीं लेने का, आपको वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। और स्टेबिलिटी कैसी आप कमेंट सेक्शन में बताना। हेलमेट माउंट पर मैं चला रहा हूँ और ये यहाँ पर रुकाऊँ, ठीक है यहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो क्या लेक पर, ओह बगा भाई को, देखो भाई को, मोटो ब्लॉगर सत्यम गुप्ता कैसा। अरे यार गाड़ी पार्क करना आसान नहीं है यहाँ पे, जी व्लॉगर को देख सकते हैं। हेलमेट माउंट निकालो क्या, ये देखो ये होता है असली स्ट्रगल। आपको नहीं पता कितना हमाली करनी पड़ती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सबको क्या लगता है यूट्यूबर है बना लेगा पैसे आएंगे, एक रुपया जेब में नहीं है आज तक। ये इसका खर्चा, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा रोज का है। भाई को क्या टेक्निकल चैनल है भाई, बोलते तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब इसमें ही वीडियो शूट हो रहा है, ये मोबाइल है, कोई एक्शन कैमरा नहीं है अपने पास, इस मोबाइल से शूट करना पड़ता है, इसमें भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। चैनल का नाम और दूसरा सुल्तानी सरफराज व्लॉगिंग चैनल जिसपे ये वीडियो आने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आपको कैसी लग रही है ये जगह, कमेंट सेक्शन में बताना। उदगीर की सबसे खूबसूरत जगह कहते हैं इसे अवलकोंडा। और यहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट देख सकते हैं आप, टर्निंग कैसा है यहाँ पर देख सकते हैं। कॉर्नरिंग करने के लिए बेस्ट जगह है, R15 जैसी या फिर KTM RC जैसी बाइक चाहिए यहाँ पर कॉर्नरिंग करने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे कॉर्नरिंग करने में मज़ा आएगा। रोड पूरी डामर की मिलेगी आपको, ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप ऊपर कैसा आता है, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, हर तरफ आपको हरियाली और पहाड़ देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट में लेक देखने को मिलती है सामने,
लेक पर भी जाएंगे हम, आगे वीडियो में बने रहें, आपको लेक भी दिखाऊंगा। और वहाँ पर जी ब्लॉगर ठहरे हैं, जी ब्लॉगर और टेक शोर, इनके दो चैनल हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों चैनल का। भाई टेक्निकल वीडियोज़ भी बनाते हैं और मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या नहीं, भाई की भी ब्लॉगिंग चालू है। ये सेम वीडियो आपको उनके चैनल पे भी देखने को मिल सकता है, दोनों की ही वीडियोज एक दूसरे में बंद स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलो हम लेक की तरफ चलते हैं, चलो चलते हैं आप लेक की तरफ। आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, निकल जाती, हाँ निकल जाती, अपन प्रॉपर ऑफ रोडर हैं। यूनिकॉर्न, हाँ शाइन लड़की का नाम है। हाँ आपको क्या शाइन, गाड़ी अच्छी है, बोलने को बोलना नहीं, फर्स्ट गियर में बहुत पावर रहती, उसके बाद गाड़ी भर जाती है साथ ही। हाँ पहले गियर में झटका देकर उठती, इसमें फिर भी थोड़ी बहुत आती पावर, ऐसा नहीं कि बहुत पावर है इसमें भी, 13.5 हॉर्स पावर की गाड़ी है ये। रोड तो देखो यार कितने अच्छे हैं, आपको नज़ारों का मज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो उदगीर से, उदगीर में ही है, 1-2 किलोमीटर आना पड़ेगा आपको, जलकोट रोड से आएंगे। अवलकोंडा किसी भी पूछे तो वो रास्ता बताएंगे आपको, बहुत अच्छी जगह है, एक बार फैमिली के साथ विजिट करके देखो। अभी थोड़ी बारिश पड़ रही है इसलिए लोग नहीं है यहाँ पर, नहीं तो ये पिकनिक स्पॉट है, पूरे उदगीर शहर का पिकनिक स्पॉट है, बेस्ट स्पॉट है फोटोज़ लेने के लिए। ऐसा कोई नहीं होगा कि यहाँ पर फोटो नहीं लिया होगा उदगीर का निवासी, हर कोई आके यहाँ पर एक ना एक फ़ोटो लेता है। मैं भी पहली बार यहीं पर फ़ोटो लिया था, जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर डालने के लिए लगता है, या ना पहाड़ों के मतलब अपनी थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी बताने के लिए लोग ऐसे ही जगह पर आके फ़ोटो शूट करते हैं उदगीर के। हर एक के आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पर एक ना एक फ़ोटो आपको अवलकोंडे की पक्का मिलेगी ही मिलेगी। मेरे हर एक फ्रेंड के फ़ोटो में मतलब हर एक फ्रेंड के प्रोफाइल में एक फ़ोटो तो अवलकोंडे की पक्का है। लेकिन यहाँ पर रास्ते आपको देख सकते हैं बहुत रिस्की है, हॉर्न वॉन मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलाएं, यहाँ पर ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी जानवर भी आ सकता है, इंसान भी आ सकता है बीच रास्ते के। यहाँ पर रोड सही नहीं है, देख सकते हैं पोर्ट होल्स बहुत हैं, यहाँ पर गाड़ी भी यहाँ पर एक्सपल्स लगेगी। मैं फिर भी यूनिकॉर्न लेके आ गया, आपका सपोर्ट चाहिए बस इतना करने के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और भाई को भी लेके आ गया। बारिश में दोनों आए हैं ब्लॉगर, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं बारिश में, क्या पता तबीयत भी ख़राब हो गई तो फिर 2 दिन घर में बैठ के रहना पड़ेगा, लेकिन अपन काम नहीं रोकेंगे। तबीयत ख़राब हो चाहे मरने का दिन आ जाए, मरने के दिन भी क्या चाहिए, लास्ट ख्वाहिश क्या है बोलते, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, ये हमारी लास्ट है विश है क्या नहीं? बड़ी नौबत तो नहीं आएंगी। हाँ देखेंगे आप, कुछ कुछ अच्छा कंटेंट आया तो मतलब जो ख़राब होगा उसे कटाएंगे। व्लॉगिंग है फिर भी थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, लंबा वीडियो हो गया तो होगा 8 मिनट या 10 मिनट का ही बना लेंगे, वैसा कुछ नहीं। लेक नज़दीक से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, वैसे तो खूबसूरत ही होती है, इसके साथ ये डेंजरस भी है ये भी सुन लो। यहाँ पे असरात का चक्कर है, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत होती है यहाँ पर। अरे यार देख सकते हैं हीरो आ रहा था स्पीड में, जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। चलो हाँ गाड़ी यहाँ लगा देंगे, नहीं तो अपन भी नहीं आ सकते, इन्हें भी नहीं आ सकते। हाँ बारिश बढ़ती क्या बढ़ यहाँ पे, हाँ भाई को भी डर लग रहा है, अपने को भी डर लग रहा है, लेकिन अपन क्या माउंटेन डियो पी का अभी सैफ के होटल पे, तो डर के आगे जीत है बोलना, और अपन जीत गए समझना, जीत मतलब चुप चुप के फिल्म में का जीत नहीं, असली जीत। अब मैं आपको वाइजर उठा के दिखाता हूँ हवा कितनी चल रही है यहाँ पर। हाँ देखो यार ऊपर से आए हैं यहाँ के, देख सकते हैं वहाँ से आए हम, उससे बहुत दूर से आए वैसे तो। जी ब्लॉग यहाँ पर हैं, कैसी जगह है कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसे ही ब्लॉग देखना है तो वो भी बताओ यार। लेक कितनी बढ़िया देख सकते हैं, लेकिन ये एक आपको कहानी सुनाऊंगा, यहाँ पर एक जितनी खूबसूरत ये लगती है उतनी डेंजरस भी है, मतलब यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत होती रहती है, मतलब काला जादू जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलो जी ब्लॉगर के पीछे चलते हैं, बहुत संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे, कैसा जानवर बहुत फिरते हैं, सांप भी मिल सकता है, मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, देख सकते हैं जी ब्लॉगर की बिहाइंड द सीन आप देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी बिहाइंड द सीन जी ब्लॉगर का देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपने चैनल पर मिल जाएगा, तो कुछ स्पेशल है इसलिए मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने लगा रहा हूँ। जी ब्लॉगर का चैनल का बिहाइंड द सीन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता, फॉलो बटन को करें क्या वो? अरे यार रेनबो तो दिख जाए यार, दिख रहे क्या रेनबो? हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल सुल्तानी सरफराज व्लॉग्स, तो व्लॉग्स कहाँ के व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द जी व्लॉग।
जी ब्लॉगर अपना नया चैनल है, तो भाई का सब्सक्राइबर है, भाई को बोलने देना ही नहीं आज। हमारा चैनल है भाई, सुल्तानी सरफराज चैनल है मेरा। हाँ, मेरा तो फिर जी ब्लॉगर मेरा चैनल है। चेहरे में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, जरा कैमरा प्रॉब्लम है वो, तो जरा टेंशन नहीं लेने का। चेहरा मतलब जी ब्लॉगर मैं हूँ, तो सुल्तानी सरफराज, सुल्तानी सरफराज कौन है भाई आप? जी ब्लॉगर भी मैं, सुल्तानी सरफराज भी, मतलब डबल इनकम मेरा है। तो भाई लोग, हम यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आए हैं और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा शूट करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेने का। तो गाइज यहाँ पर हम कोलैबोरेशन के लिए आए हैं, तो यहाँ पर, तो गाइज यहाँ पर मेरा जो नाम है पटेल अजीम नाम है, और यहाँ पर मेरा चैनल है एक टेक्शोर बोल के, और जी ब्लॉगर बोल के दो चैनल है। तो यहाँ पर गाइज मैं आया हूँ सुल्तानी सरफराज ब्लॉग्स के चैनल पर, तो बहुत थैंक यू बोलता हूँ मैं अपने सरफराज भाई को। मैं ही थैंक्स बोलता हूँ 15-16 सब्सक्राइबर के चैनल पर। जब इतना बड़ा यूट्यूबर आएगा तो मेरे को हंसी आएगी। यूट्यूबर होता है नहीं बड़ा, मतलब सर यूट्यूबर बड़े नहीं, सर का चैनल तो बड़ा है क्या, ऑडियंस तो ज़्यादा है मेरे पास 15-16 है, और चालू करके 8 दिन या 9 दिन हुए होंगे चैनल, फिर भी लोगों का सपोर्ट मिला है। भाई का भी बहुत सपोर्ट है, भाई कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आधी रात को भी मैं मैसेज करूँगा तो ये रिप्लाई देते हैं। तो सर का जो चैनल है टेक्शोर मेरे को बहुत पसंद, इनके पास कोई भी टेक्निकल रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, मेन चीज़ बेल आइकन है, आप सब्सक्राइब करके झक मारने चले जाएंगे तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। यूट्यूब का एक नया नया वो रूल चलता रहता है घंटा बजाने का, ये घंटा नहीं डालना पड़ेगा, हाँ घंटा तो बजाना पड़ेगा, मेन चीज़ वही है, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी नहीं तो। तो भाई भाई लोग यहाँ पर आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे सरफराज भाई को, क्योंकि इनका भी चैनल है A2 मोटर राइड बोल के, तो A2R मोटर राइड बोल के चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यहां से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस। तो यहां पर उनके भी चैनल पर ये वीडियो आएगा, तो क्रिएटिव कॉमन रहेगा गाइस, तो सब्सक्राइब कर लेना, दोनों को सपोर्ट कीजिए गाइस। तो ये भी फराज भाई भी बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो यहां पर वीडियोस वगैरह, हां बाइक्स के वगैरह अच्छे रिव्यू देते हैं, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा ये है दोनों एक जगह क्यों आए, तो कोलैबोरेशन उतना ज़रूरी नहीं है कि भाई ने मुझे पैसे दिया या भाई को नहीं, मैंने नहीं, पैसे दिया, एक रुपए का कुछ नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, हम एक सिटी में दो ही यूट्यूबर हैं, कोई तीसरा यूट्यूबर देखने को नहीं मिलेगा, अगर होगा तो वो मतलब जो परमानेंट टाइम यूट्यूबर बोलते हैं वो नहीं होगा, मतलब कभी ना कभी जो दिल पे नहीं लेता, हमारा रोज़ का काम, नींद में से उठेंगे तो यूट्यूब, सोएंगे तो यूट्यूब, नींद में रहेंगे तो यूट्यूब, ऐसा दिमाग में यूट्यूब चलते रहता है, अपने दो चैनल इसलिए हैं। और जो पहला चैनल है अल्लाह के फजल से 2750 कुछ सब्सक्राइबर हैं, और भाई के तो सब्सक्राइबर हाइट है, मेरा अंदाज़ा है कि 10K या 20K प्लस इनके सब्सक्राइबर हैं, ये तो हाइड करके रखे, फिर भी अपने को मिल जाएगा सर का, जब भी भाई का जब यूट्यूब का बटन आएगा तो अपने को तो पता चल जाएगा, जब बटन आएगा जब इंशाल्लाह हम रिवील कर देंगे और रिवील हो जाएंगे यार, और यही जगह होगी जहाँ पर पार्टी होगी, पार्टी होगी क्योंकि इंशाल्लाह जरूर 100K होने के बाद सबको पार्टी देंगे यार, सपोर्ट चाहिए, देखेंगे अभी क्या होता है आगे। और एक बात आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपका न्यू यूट्यूब चैनल है या पुराना भी होगा, 10 साल से भी आप काम करते होंगे, तो आपको टेक्निकल रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा तो आप भाई का जो टेक्शोर चैनल है, टेक्शोर चैनल का नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपने चैनल अपने वीडियो के, तो आप कभी भी कमेंट करेंगे तो भाई रिप्लाई देंगे, आपका सोल्यूशन निकल के देंगे, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा अपने वीडियो में, तो इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं भाई, सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं भी रिप्लाई देता हूँ, आप भी मेरे चैनल पर, मतलब आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और मुझे वीडियो कॉल भी करेंगे तो मैं वीडियो कॉल पे रिप्लाई दूंगा, और जो भी जितने भी जो भी अपने शोरूम वगैरह रहते हैं तो यहाँ पर पहचानत है इनकी, और वो आकर वीडियो भी बनाते हैं, जो भी बाइक से है नहीं वगैरह, तो पेड़ भी लेते हैं, और ये कभी कभी फ्री भी कर लेते हैं, तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है हमारे इसमें शोरूम वगैरह है तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, ऑडियंस इनकी भी बहुत ही यहाँ पर व्यूज वगैरह अच्छे आते हैं, ठीक ठाक आ जाते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं, हम मेरे से तो ज्यादा आते हैं, नहीं नहीं भाई भाई के मेरे व्यूज नहीं आते, भाई के ज्यादा ही व्यूज, मेरे को वीडियो मतलब मैं कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख पा रहा हूँ, जो एटवार मोटरबाइक चैनल है उस पर मेरी कंसिस्टेंसी बहुत कम है, मतलब जो पहले आती थी आज से 1 साल पहले मैं रोज का एक वीडियो, कम से कम 5 मिनट का एक वीडियो होता था, मैं रोज एक रिव्यू अपलोड करता था, जिससे कि क्या है मेरे को वॉच टाइम भी कंप्लीट करना था, वो एक मेरी एक पर्सनल गरज थी बोलते ना, वो पर्सनल था मेरे लिए कि मेरे को वॉच टाइम कंप्लीट करना है, इसलिए मेरा अब ज़्यादा नहीं मुड़ रहा, और उसके अलावा मेरे चैनल पर अब एड्स भी बंद है,
मतलब फ्री में झक मरी है। हाँ फ्री में झक चल रहा है, प्रॉब्लम ये जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा एडसेंस की पिन भी नहीं आ रही थी भाई की वजह से ही आई, 4 महीने के बाद आई पिन। अगर उसके बाद एक भी दिन बढ़ता तो मतलब चैनल गया था मेरा, मतलब एडसेंस अकाउंट बेकार था मेरा अगर पिन नहीं आती थी तो। भाई की वजह से हुआ, इसलिए टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज भाई को पूछ सकते हैं। और बाइक से रिलेटेड के लिए मैं तो हूँ हमेशा, 24/7 भी मैसेज कर सकते हैं। रात में 4 बजे तक जागता हूँ मैं, सुबह में 10 बजे से पहले कभी भी करे तो उठ जाता हूँ। 10 बजे से पहले भी, मत करो। कुछ भी प्रॉब्लम है बाइक से रिलेटेड तो हमारे फराज भाई को कांटेक्ट कीजिए, और कुछ भी फोन से रिलेटेड है, ऐप से रिलेटेड है, कुछ भी प्रॉब्लम कंप्यूटर से भी रहता हूँ सॉल्व कर सकता हूँ। टेक्निकल इश्यूज, हाँ टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल गुरु जी को भूल जाने का, दाढ़ी वाले चिच्चा को भूल जाओ। वो पुराने निजाम के जमाने के हो गए। शुरू करते हैं नहीं, खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नहीं, शुरू भी होगा इनका, खत्म भी होगा। 22 मिलियन पे कितने भी उतारे, उससे ज्यादा तो दूसरे चैनल पे आ रहे। तो वही वीडियो, वही कंटेंट, वही कैमरा, कुछ तो चेंज करो टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू यार सर फराज भाई। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट कीजिए दोनों भी चैनल को। हां सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, अपनी ऑडियंस है, उदगीर की ऑडियंस है, उदगीर की भी ऑडियंस सब्सक्राइब करो। चलो थैंक यू वेरी मच, चलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।